भर के सामने आई है वो क्या कह रही है। वो कह रही है कि साहब 83% आबादी जो है वो जिसको आरक्षण मिलना चाहिए आरक्षण के दायरे से ये सिर्फ 15% साहे 15% जो है अपर कास्ट है उसको 50% मिला हुआ है और बाकी लोगों को मैंने क्या मिला हुआ है। आप देखिए पहले आ चुका है ना कि फर्स्ट चरण हुआ, दूसरे चरण हुआ, तीसरे चरण हुआ। उस समय क्यों नहीं कहा उन्होंने? उपेंद्र जी घर पर नहीं होंगे जिस समय गया होगा, और लोग हम ही से बात नहीं हुई है। के सीनियर लीडर शिवानंद तिवारी हैं हमारे साथ बातचीत के लिए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। बात करते हैं कि आखिरकार जाति आधारित जो गणना हुआ है उसका रिपोर्ट जो है सार्वजनिक कर दिया गया है, अब इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्या कहिएगा सर? अब क्या आरक्षण पर भी बात होगी? भाई स्वाभाविक है ना बात होगी। जो तस्वीर उभर के सामने आई है वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि साहब 83% आबादी जो है वो जिसको आरक्षण मिलना चाहिए आरक्षण के दायरे से ये सिर्फ 15% साहे 15% जो है अपर कास्ट है उसको 50% मिला हुआ है और बाकी लोगों को मैंने क्या मिला हुआ है। आप देखिए कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का संविधान से ही आरक्षण है, उसके बाद 27% जो है मंडल कमीशन से आरक्षण मिला। तो इतनी बड़ी आबादी है 27% मैंने ओबीसी की आबादी है, 36% जो है आबादी अति पिछड़ों की है। तो इतनी बड़ी आबादी को आप इतने छोटे दायरे में आप रखे हुए हैं, देश का कैसे काम चलेगा भाई? इसलिए जो सर्वेक्षण आया है उसका रिपोर्ट जो जाहिर हुआ है इसमें कई तरह का जो है असर पड़ेगा। एक तो असर पड़ेगा कि राष्ट्रीय स्तर पर मैंने जनगणना होना चाहिए, पहला स्तर तो ही पड़ेगा। दूसरा ये पड़ेगा कि आरक्षण का दायरा जो है बढ़ना चाहिए। इतनी बड़ी आबादी को आप जो है मैंने इतनी छोटी जगह पर बांधे हुए हैं, इसको आपको ओपन करना पड़ेगा। तो आरक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए भी बातचीत होगी, ये कई तरह का काम होगा इस आरक्षण से। आपको क्या लगता है कितना परसेंट और हो जाना चाहिए? भाई परसेंट का सवाल है, हम कौन होते हैं, अथॉरिटी हैं इसके बारे में? इसके बारे में लोगों की बातचीत होगी। पिछड़ों पर भी दबाव पड़ेगा, यही नहीं है कि सिर्फ मैंने ये पर पिछड़ों पर भी जब होगा कि 36% अति पिछड़े हैं तो अति पिछड़ा भी डिमांड करेंगे कि भाई हमारा कोटा बढ़ना चाहिए, हमारा रिजर्वेशन बढ़ना चाहिए। तो ये जो रिपोर्ट आया है इस पर बैठ करके विचार होगा, बात होगी, चर्चा होगी। उसके बाद ना हम कौन होते हैं हमसे पूछिएगा कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, हम कोई अथॉरिटी है इसके बारे में? सर लेकिन सवाल है कि पिछड़ी जो जातियाँ हैं उसमें कई जातियाँ संपन्न हो गई है, कई ऐसे लोग हैं जो उसमें संपन्न हो चुके हैं, तो क्या उनको समान जगह पर लाना चाहिए? आपके मन में जो है जलन है और क्यों बोल रहे हैं इसको भी हम समझ रहे हैं भाई। सर्वेक्षण में उसमें से कुछ लोग प्रतिशत लोग जो है आगे आ गए हैं, लेकिन सामान्य स्थिति जो है शैक्षणिक और सामाजिक उसकी क्या है ये आएगा। मान लीजिए कि साबित हो गया कि नहीं साहब इनको इनका जो है पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन हो गया, इसमें तीन आधार है, एक तो सरकारी नौकरियों में पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन होता है कि नहीं, दूसरे उनकी शैक्षणिक स्थिति क्या है और उनकी माली हालत क्या है, ये तीन क्राइटेरिया है। तो एक क्राइटेरिया ये भी है कि आबादी के अनुपात में सरकारी नौकरी में उनको हिस्सा मिला है कि नहीं मिला है। तो आप खाली देखिएगा लालू यादव को और तेजस्वी यादव को, उसके आधार पर आप तय कीजिएगा कि नहीं साहब यादव बहुत आगे बढ़ गए हैं। सरकारी नौकरी में यादवों का कितना प्रतिनिधित्व है, क्लास वन अफसर कितने हैं, क्लास टू अफसर कितने हैं, क्लास थ्री में कितने कर्मचारी हैं, संख्या के हिसाब से उनको मिला है कि नहीं, ये देखना होगा ना भाई। कि खाली हमारे मन में जलन है कि साहब लालू बहुत आगे बढ़ गया और उसी आधार पर अब फैसला करें कि नहीं साहब इनको निकाल बाहर करना चाहिए, ऐसे नहीं होता, उसकी भी एक प्रक्रिया होती है। नहीं, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जो ये सर्वेक्षण का रिपोर्ट आया है वो सही नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हमसे पूछने तक नहीं आया। अरे भाई आज क्यों कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा? ये तो पहले आ चुका है ना कि फर्स्ट चरण हुआ, दूसरे चरण हुआ, तीसरे चरण हुआ। उस समय क्यों नहीं कहा उन्होंने? उपेंद्र जी घर पर नहीं होंगे जिस समय गया होगा, और लोगों हम ही से बात नहीं हुई है, लेकिन हमारे परिवार में और लोगों से बात किया है, हमसे नहीं बात हुई है। तो हम ही कहे कि हमारे परिवार का मैंने ये फिगर उसमें शामिल नहीं है, ऐसी बात नहीं ना है। चले बिल्कुल, तो हमारे साथ RJD के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी थे। आरक्षण पर अब बात होगी, लेकिन पिछड़ी जो जातियां हैं उसमें जो संपन्न हुई है तो उसका जब रिपोर्ट आएगा तो उस पर भी बात होगी। बनीश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।